फोरस्किन ग्लैंड्स के साथ फ्रेनलम से जुड़ी होती है। फ्रेनलम इस फोरस्किन का एक पार्ट है जो उसे ग्लैंड्स के निचले हिस्से के साथ जोड़ता है, और कुछ पेशेंट्स जब ये स्किन रिट्रैक्ट होती है नेचुरली या इंटरकोर्स के टाइम पे तो इसमें पेन फील करते हैं, और अगर ये पेन एक्सेसिव है या ये स्किन को पीछे जाने से रोक रही है तब उस केस में वो फ्रेनलोप्लास्टी प्रोसीजर करवा सकते हैं। फ्रेनलोप्लास्टी यानी कि हम इस फोल्ड को रिलीज कर देंगे और ये स्किन ग्लैंड्स से अलग हो जाएगी और इजिली रिट्रैक्ट करेगी। सर्कमसीजन से डिफरेंट है। सर्कमसीजन का मतलब है कि हम फोरस्किन को रिमूव कर देते हैं और उसमें भी फ्रेनलम को भी रिलीज किया जाता है ताकि पूरी की पूरी फोरस्किन जितनी रिमूव की जा सकती है उसे रिमूव कर दिया जाए। लेकिन फ्रेनलोप्लास्टी में सिर्फ इस स्किन फोल्ड यानी फ्रेनलम को ही रिलीज किया जाता है, इसमें कुछ भी रिमूव नहीं किया जाता। फोरस्किन का जो साइज है वो वैसा ही रहता है। कौन करवा सकते हैं? ये प्रोसीजर उनके लिए है जिनमें फोरस्किन की ओपनिंग टाइट नहीं है, यानी कि वो प्रॉपरली रिट्रैक्ट होती है और सिर्फ फ्रेनलम के टाइट होने की वजह से ही वो एक पॉइंट पर आकर अटकती है। लेकिन वो पेशेंट्स जिनमें फोरस्किन रिट्रैक्ट ही नहीं हो रही क्योंकि उसकी ओपनिंग छोटी है, उनमें फ्रेनलोप्लास्टी काम नहीं करेगा क्योंकि उन्हें सर्कमसीजन करवाना पड़ेगा क्योंकि फोरस्किन की ओपनिंग छोटी है, और इसलिए जब तक उसे रिमूव नहीं करेंगे वो पीछे को रिट्रैक्ट नहीं होगी और उसमें सफाई करना मुश्किल होगा और भी इसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं। और उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ऐसे केसेस में सर्कमसीजन एडवाइस की जाती है। थैंक यू।